नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को बनाते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि हमारे मरहूम फादर के बहुत अभिन्न मित्र, उनके अजीज भाई श्री अनुपम त्रिपाठी जी, इस बार लोकसभा चुनाव दिल्ली 2019 में भारतीय किसान पार्टी द्वारा पूर्वी दिल्ली ईस्ट दिल्ली के लिए उम्मीदवार चुने गए हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है खाट, इंग्लिश में कॉट। दोस्तों, उनको मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि हमारे दुख के समय में वो हमारे साथ थे, उन्होंने हमारा बड़ा सहयोग करा। तो जो व्यक्ति दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी समझ ले, तो समझिए वो आपके आशीर्वाद से, आपके भारी मतों से वो दिल्ली के लिए बहुत कुछ करेंगे। वो आज भी करते रहते हैं, वो जानवरों के लिए, बेसहारा असहाय लोगों के लिए हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों, 12 मई को अपना कीमती वोट जाया ना करके आप हमारे श्री अनुपम त्रिपाठी जी, भारतीय किसान पार्टी, चुनाव चिन्ह खाट, इंग्लिश में कॉट, पर बटन दबाकर उनको भारी मतों से विजयी बनाएं। आप जनता जनार्दन हैं, आपने सभी पार्टियों को मौका दिया है। इस बार दिल्ली में भारतीय किसान पार्टी श्री अनुपम त्रिपाठी जी को एक बार मौका अवश्य दें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जितने मेरे बड़े भाई बहन हैं, जितने मेरे बुजुर्ग हैं, आप सभी अपना आशीर्वाद हमारे सबके ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्याण बाबू सिंह। दोस्तों, आप सबको मैं बता दूं कि आपके हमारे हम सबके प्रिय भाई श्री अनुपम त्रिपाठी जी पूर्व दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आप सभी को 12 तारीख को आप सभी को वोट डालने के लिए आना है, और सब के सब जितने भी लोग हैं हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सैयदा फातिमा बिन माजी। दोस्तों, इस बार आपके प्रिय भाई अनुपम त्रिपाठी जी पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय किसान पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह चारपाई है। दोस्तों, भाई अनुपम त्रिपाठी जी 6 साल से समाज सेवक में है तथा 15 साल से दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। दोस्तों, अब सभी को 12 मई को अपने परिवार के साथ वोट डालने जाना है, भारतीय किसान पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह चारपाई है। दोस्तों, आपको नोटा के बटन पे नहीं दबाना है, आपके पास विकल्प है, भारतीय किसान पार्टी है, जिसका चुनाव चिन्ह चारपाई है। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं भगवान दास श्री अनुपम त्रिपाठी जी के लिए आपसे अपील करता हूं कि भारतीय किसान पार्टी को पूर्वी दिल्ली से आप आके 12 तारीख को विजयी बनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद पाल सिंह चौहान। हमारे प्रिय भाई अनुपम त्रिपाठी जी जो इस बार पूर्वी दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह भारतीय किसान पार्टी चुनाव चिन्ह ने चार पाई, जो 6 साल से समाज सेवा से जुड़े हैं और दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 15 साल से वकालत कर रहे हैं, और आप सबको परिवार के साथ 12 मई को वोट डालने आना है, और भारतीय किसान पार्टी उनका चुनाव चिन्ह चारपाई, और आपके पास नया विकल्प है, आपको नोटा का बटन नहीं दबाना है, और आपको चारपाई पर ही बटन दबाना है। जय जवान, जय किसान। नमस्कार दोस्तों, मैं सैयद परचूर अशरफ आप सबको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही खुशी की बात बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस आने वाले लोकसभा चुनाव में आप सबके प्यारे दोस्त भाई श्री अनुपम त्रिपाठी जी पूर्वी दिल्ली से चुनाव में हैं। दोस्तों, श्री त्रिपाठी जी इस चुनाव में भारतीय किसान पार्टी, जिनकी चुनाव चिन्ह है चारपाई। दोस्तों, श्री अनुपम त्रिपाठी जी पिछले 6 सालों से
सोशल वर्क का काम कर रहे हैं और पिछले 15 साल से दिल्ली हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। दोस्तों, आप सबको 12 मई के दिन आपका आपके सारे घर परिवार के और दोस्तों के साथ आना है और वोट डालना है। और दोस्तों, इस बार आप सबको नोटा का बटन दबाना नहीं है, लेकिन आपको उसका विकल्प है आपके पास, आपको दबाना है चारपाई का बटन, क्योंकि इस बार आपके साथ है भारतीय किसान पार्टी श्री अनुपम त्रिपाठी जी। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, अनुपम त्रिपाठी भैया के वोट डालने जाना है 12 तारीख के चारपाई पर, पूरे हम लोग परिवार के साथ है चारपाई में, 12 तारीख के बटन दबाना है। जय हिंद, जय किसान। दोस्तों, हमारे और आपके प्रिय अनुपम त्रिपाठी जी को 12 मई को चुनाव निशान चारपाई, जो पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार हैं, उनको भारी मतों से विजयी बनाए। वो समाज सेवी, 5 साल से समाज सेवा में लगे हुए हैं और 15 साल से सुप्रीम कोर्ट में वकालत का काम करते हैं। हमारे और आपके पास विकल्प है अनुपम त्रिपाठी। 12 मई को आने वाली 12 मई को पूरे परिवार के साथ हम उन्हें वोट करें और भारी मतों से विजयी बनाएं। जय जवान, जय हिंद। और फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनुपम त्रिपाठी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। Or you can call in and have your say on this big story. Anupam Tripathi, lawyer and animal rights activist, joining us in our studio. Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court. He's also an animal rights activist and has played a very important role when this case came up in the Apex Court. I'm also joined. Anupam Tripathi ji, पशुओं के अधिकारों की बात के रखते हैं सामने, animal rights activist हैं और बहुत स्वागत है आपकी। Let me put things in perspective. Your take on this? Yes, let me just put things in perspective. First and foremost, cattle includes cow, bulls and buffaloes. Yes. Right? So what this act, what this new regulation or rule does is that it prevents these... I'm challenging the particular notification of the government in the Supreme Court. I don't think it will stand the test of the Supreme Court in terms of legality as well as the constitution. Thank you.
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपम त्रिपाठी, ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। मैं इलेक्शन लग रहा हूं लोकसभा का भारतीय किसान पार्टी के टिकट पर। तो दोस्तों 12 मई को जब पोलिंग होती है तो अगर आप मन बनाए हैं नोटा दबाने का तो ध्यान रखें। इस बार ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपके पास है नया विकल्प। मैं इलेक्शन के लिए लड़ रहा हूं तो इस बार नोटा ना दबाएं, इस बार आप दबाएं चारपाई। चारपाई, जी हाँ दोस्तों, चारपाई या इंग्लिश में कॉट कहते हैं, ये मेरा इलेक्शन सिंबल है। हाँ, इसको आप दबाएं 12 मई को और भारी बहुमत से मुझे जितवाएं। मैं अगर जीत जाता हूं दोस्तों, जो कि मैं जीतूंगा आप लोगों के लाड प्यार और वोट से, तो मैं पार्लियामेंट जाकर आप लोगों के इश्यूज, ईस्ट दिल्ली के मेरे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के इश्यूज को रेस करूंगा पार्लियामेंट में, उसके लिए काम करूंगा। और मैं आश्वासन देता हूं कि 5 साल में मैं ईस्ट दिल्ली को मिनी सिंगापुर बना दूंगा। और अगर नहीं बना सका दोस्तों तो 2024 आते आप लोग एक बरगद का पेड़ ढूंढ लीजिएगा और आपकी रस्सी और मेरी गर्दन तैयार हूं दोस्तों। मैं इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसको दूर दूर तक शेयर करें दोस्तों, अपने सारे दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स, कलीग्स के साथ शेयर करें। और भारी बहुमत से 12 तारीख को आप लोग जब पोलिंग हो तो आके चारपाई पे वोट दबाएं और भारी बहुमत से मुझे भारतीय किसान पार्टी के बिहाफ पे इलेक्शन जिताएं। जय हिंद दोस्तों।